जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप डैट यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ शेख बिलाल तुफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एमए की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें पार्ट 1-2 के हम जो लेक्चर बना रहे हैं डे बाई डे, और आज पार्ट टू का आगे हेडा गिबलर है मॉडर्न नावल मॉडर्न ड्रामा, उसका हम लेक्चर नंबर 2 आज बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने करेक्टर एनालिसिस किए थे हेडा गिबलर के, हमने टाइटल सिग्निफिकेंस देखी थी और हेनरी किप्सन जो राइटर है उसके बारे में देखा था। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो है समरी पूरी हेडा गिबलर की देखेंगे, और उसके अलावा हम स्टूडेंट्स जो है इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द प्ले और सिंबल्स को के बारे में बात करेंगे, थोड़े टेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे, और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से उसकी बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद अ समरी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था, करेक्टर्स के अंदर भी, के जो हेडा गिबलर है वो एक प्ले है और हेडा गिबलर जो है वही इसका टाइटल है, और हेडा जो है वो टाइटल जो है वो गिबलर साथ लगाती है, अपने बाप का नाम लगाना पसंद करती है एज़ कंपेयर टू हर हस्बैंड। सो हेडा गिबलर इज़ स्टार्ट फ्रॉम यू नो इन अ फर्स्ट एक्ट, तो फर्स्ट एक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है जो हमारा हमारी प्रोटैगनिस्ट है हेडा गिबलर, वो और उसका हस्बैंड जो टेस्टमैन है, वो दोनों जो है वो लॉन्ग हनीमून पे जाते हैं 6 मंथ के। जब वो वापस आते हैं, दे जस्ट केम फ्रॉम द हनीमून, तो वहाँ पे जो वो कहती है कि आई वॉज बोर्ड इनफ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई और उसने मुझे बोर किया, और वो 6 मंथ तक जो है वो अपना मनुस्क्रिप्ट ही जो मैनुस्क्रिप्ट है वही लिखता रहा, वहाँ पे रिसर्च वर्क करता रहा, और मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई। जब ये घर आते हैं तो आंट जोजो और आंट रीना जो है दे बोथ वेलकम देम। तो बेसिकली जो हेडा है वो अरिस्टोक्रेसी क्लास से बिलोंग करती है, शी डिड नॉट लाइक यू नो बोथ आंट, तो वो बल्कि उसका जो हैट होता है उसको बड़ा क्रिटिसाइज करती है, तो टेस्टमैन को बुरा लगता है, ऑल्दो टेस्टमैन वाज अ स्कॉलर एज वेल, तो लेकिन जो हेडा है वो इंजॉय करती है सारी सिचुएशन को। लेटर ऑन स्टूडेंट्स, इसके बाद जो व्यूअर्स प्ले आगे जब मूव ऑन करता है तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है वो एंट्री होती है, इनका एक फ्रेंड होता है जॉर्ज ब्रैक। अब जॉर्ज ब्रैक जो है स्टूडेंट, जो जज ब्रैक या जॉर्ज ब्रैक, हम दोनों जो भी इसके लिए वर्ड यूज़ करें, ब्रैक जो है वो फ्रेंड होता है हेडा का और टेस्टमैन का, दोनों का। तो वो उसके साथ जब फ्लर्ट कर रही होती है हेडा, तो वो उसको कहता है कि जो है मैं तुम्हारे साथ जो है ना वो रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके साथ होता है, तो वो उसको बताती है कि मेरे साथ जो है ना वो जो टेस्टमैन है, हम हनीमून पे गए थे, तो हनीमून पे जब हम गए थे तो उसने जो है ना वो इतना टाइम वेस्ट किया, ये किया वो किया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली उससे बात कर रही होती है, तो वो कहती है ठीक है तुम ऐसा करो, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ तो हम जो है ना वो इन्जॉय करेंगे। तो वो आगे से हेडा कहती है कि हम तुम्हारी जो है ना मैं तुम्हारी कंपनी तो ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन उसमें कुछ लिमिट्स होंगी, वो लिमिट्स में जो एडल्ट रिलेशनशिप है वो हमारे लिजिटिमेट रिलेशनशिप नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो ही यू नो एट दैट टाइम एक्सेप्टेड। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स, इसका जो हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लेबॉक जो होता है और एक मिसेज एल्वेस्टेड जिसको हम थिया भी बोलते हैं, थिया एल्वेस्टेड, दोनों करेक्टर आते हैं, जो लेबॉक होता है वही वॉज अ फॉर्मर लवर ऑफ हेडा गिबलर व्हेन शी वॉज यंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे व्हेन शी वॉज 30 ईयर्स ओल्ड शी गॉट मैरिड विद टेस्टमैन, तो अपनी जो स्कैंडलाइज होने के लिए, सोशल लाइफ को मुस्तहकम करने के लिए सिर्फ ये शादी करती है। तो इसका ये जो बेसिकली शी डिड नॉट वांट टू यू नो टेक होल्ड हर सेल्फ टू अदर्स, तो डोमिनेंस जो है वो डोमिनेंट रहना इसको पसंद नहीं है, ये खुद डोमिनेंट होना चाहती है। तो लेबॉक जो है जब इस पर डोमिनेंट होता है और ओवरवेल्म होने की कोशिश करता है, शी लेफ्ट हिम, तो वो उसको फौरन छोड़ देती है। तो उसको उसके बाद जो एडिक्शन लग जाती है ड्रिंकिंग की, तो थिया एल्वेस्टेड जो होती है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के जो है वो इसके साथ रिलेशनशिप में होती है,
लेबॉक के, तो उस वक्त जब ये वापस आते हैं तो वापस आके इसको ये भी पता चलता है कि इसके जो यूनिवर्सिटी है टेस्मन की, वहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीट वैकेंट है, तो उस पे जो है ना जो मेरा हस्बैंड है टेस्मन जो है वो हेडा कहती है, तो वो जो है ना वो उस पे होपफुली ही वुड बी सिलेक्टेड। तो जज ब्रैग जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, जो तुम्हारा जो तुम्हारे हस्बैंड का राइवल है, तुम्हारा जो लेबॉक है फॉर्मर लवर, वो जो है वो भी आ गया है और उसका रिसर्च पेपर बहुत ज़बरदस्त है, तो होपफुली ही वुड बी सिलेक्टेड। तो ये बड़ा जेलस फील करती है, ऑलरेडी ये जेलस होती है थिया से कि थिया जो है वो जब आती है और उसके साथ बड़ी एनवी रखती है और उसको बताती है कि मैंने जो है तुम्हारी गैरमौजूदगी में जब तुम इसको छोड़ के चले गई थी तो इसको एडिक्शन लगी थी ड्रिंकिंग की, तो ये ड्रंक करता था, तो मैंने इसको वापस लेके आई हूँ और इससे ड्रिंकिंग से बाहर निकाला है और अब इसकी हालत बहुत बेहतर है। तो वो सुन के बड़ा जेलस होती है कि थिया किस तरह मेरी जगह ले सकती है। तो एक फिर क्या होता है कि उसको अपने हस्बैंड को कहती है टेस्मन को कि लेबॉक को तुम चिट्ठी लिखो, तुम उसको यहाँ पे बुलाओ, उसको लेटर लिखवाते, क्रॉसपॉन्डिंग होती है, वो यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ पे आता है तो वो उसके साथ जो है वो बातचीत जब होती है तो उस एक दिन क्या होता है कि ये जो है ना जज ब्रैग ये वो सारे ये मिलके सारे जो है ना वो बार में जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंकिंग करते हैं, तो दोबारा वहाँ पे लेबॉक जो है वो अवर ड्रंक कर देता है। तो जब वहाँ पे अवर ड्रंक स्टूडेंट्स करता है तो वहाँ पे ये जो इसका मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो वहाँ पे भूल जाता है। तो जब वो वहाँ पे भूल जाता है तो वो जो मिस्टर टेस्मन है उसके हाथ लग जाता है। जब वो लेके वापस आता है तो कहता है कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट डे दे दूंगा, तो वो आके ना हेडा को पकड़ा देता है। हेडा को कहता है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये संभाल के रखो, ये तुमने लेबॉक को देना है। तो मिस्टर टेस्मन तो भूल जाता है, हेडा क्या करती है, हेडा उस मैन्युस्क्रिप्ट को जला देती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव हर हस्बैंड कि इसको जो है वो सीट मिल जाए। तो बेसिकली शी वॉज जेलस वूमेन, शी वॉज इन वाई टूवर्ड्स यू नो थी एलवेस्टेड एंड लेबॉक एज वेल। तो इस बात का जज ब्रैग को पता होता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो हेडा के पास था और इसने जला दिया। अब लेबॉक जो है वो नेक्स्ट डे इनके घर आता है तो वो उसको कहता है कि इस तरह मेरी जो हैंडमेड था, तो मेरे पास एक ही कॉपी थी उसकी, तो वो मेरा सारी जो रिसर्च थी वो गुम गई है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा करो कि जो है ना मेरे पास पिस्टल मौजूद हैं, तो तुम मेरे जो फादर हैं जनरल गैबल्स, ये बेसिकली जनरल की बेटी थी, तो उसके दो पिस्टल पड़े हैं, उसमें से मैं एक तुम्हें देती हूँ, तुम ऐसा करो सुसाइड अटेम्प्ट कर दो। तो लेबॉक जो होता है वो क्या करता है कि उसके पिस्टल ले लेता है। तो नेक्स्ट डे खबर मिलती है कि उसने अपनी ब्रेस्ट पे अपनी चेस्ट पे एक फायर किया और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो शी वॉज वेरी स्केयर्ड, स्कैंडलेस होने से, स्केयर्ड होने से वो पहले बड़ी डरती है। तो जिस तरह उसने यहाँ पे एक मैंने लाइंस लिखी हैं, लेटर ऑन दूसरी भी हम डिस्कस करते हैं पिस्टल के बारे में भी, जब वो जज से बात करती है, जज को हर चीज़ का पता होता है, वो उसका सीक्रेट सीक्रेसी जानता है और ही वांटेड टू गेट इन रिलेशनशिप विद हेडा गैबलर, एडल्ट रिलेशनशिप रखना चाहता है, ही वांटेड टू ब्लैकमेल हर, तो लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं होती। वो कहती है कि सम टाइम आई थिंक यू ओनली आई ओनली हैव अ टैलेंट फॉर वन थिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स इन द प्ले एज वेल, बोरिंग माई सेल्फ टू डेथ, मैं इतना बोर हो जाती हूँ, एरिस्टोक्रेसी क्लास की नुमाइंदे इतना बोर हो जाती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं जो है डेथ को गले लगा लूँ, मैं मर जाऊँ। तो जज जो है वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि उसने तुम्हारे पिस्टल से, तुमने उसको पिस्टल दिया था, तो इसलिए तुम उसकी कातिल हो, तो मैं जो है ना वो लोगों को बता दूंगा। तो वो ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बातें करते करते उसी के अंदर जब प्ले के अंदर बात आती है, वो कहती है एट लीस्ट आई हैव वन थिंग left to amuse myself, मैं खुद के तफरी के लिए, with my pistols charge, मतलब how much she was attached with pistols as well, that she has had, you know, masculine activities in her personality, as we have, you know, seen in a start of a play when she was riding horse at that time, you know, when women are very, you know, women are, you know, kept herself, kept themselves in a home, तो she was riding, ठीक है, वो riding करती है, पिस्टल चलाना सीखती है, ठीक है, लोगों से बात करती है। तो Ibsen, you know, draws it very beautifully,
तो यहाँ पे एक बात मैं आपको स्टूडेंट्स इसके साथ साथ ये भी ज़रा बताता चलूँ प्ले के अंदर ही कि बाकी बातें हम फिर करते हैं कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, हेडा गेबलर इज़ एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ ड्रामा टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। तो स्टूडेंट्स जो है इप्सन ने ये ब्यूटीफुली जो सोसाइटी और इसके मेंबर हैं इनको आपस में ड्रॉ करके दिखाया, तो यहाँ पे भी हेडा के साथ फिर यही होता है कि उस जब पहले लेबॉक उस पर ओवरमैन होने की कोशिश करता है टू होल्ड डोमिनेंस ऑन हर, तो वो उसको छोड़ देती है, फिर उसको जो है एनवी की वजह से जेलसी की वजह से इस काबिल कर देती है कि वो जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर दे। तो यहाँ पर जज जो है जब वो देखती है कि जज मुझ पर ओवरकम कर गया है तो वो फिर यही डिसाइड करती है डैट शी हैज़ डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। व्हेन शी कमिट सुसाइड शी कमिटेड सुसाइड शी ट्राइज टू कमिट सुसाइड शी सेड इट ओ द टाइम कम इन टाइम मीन यानी अब वो वक्त आ गया व्हेन शी कमिटेड सुसाइड। तो वो क्या करती है वो खुद को भी गोली मार लेती है, अपने जो दूसरा पिस्टल उसके पास होता है तो सुसाइड कर लेती है। अब स्टूडेंट यहीं पे जो है वो प्ले का इख्तिताम हो जाता है, हाउ ब्यूटीफुली इप्सन यू नो ड्रास अ पिक्चर ऑफ अ ट्रेजडी हेडा गेबलर एज अ ट्रेजडी। तो यू नो हेडा गेबलर इज रेनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह इसने जब डॉल हाउस में भी दिखाया अपने दूसरे प्ले में नोरा व्हेन शी ट्राइज टू यू नो हेल्प हर हस्बैंड एज वेल he did not accept it that you know he वो कहता है कि जो द वुमेन ऑफ इप्सन्स प्ले आर वेरी डोमिनेंट, ठीक है बेसिकली आई वॉन्ट टू से लाइक दिस कि उसकी जो वुमेन है वो बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम सबसे पहले सिम्बल्स की बात करते हैं, सिम्बल्स में स्टूडेंट्स समरी के बाद सिम्बल्स में जब बात करते जनरल गैबलर्स के जो पिस्टल हैं बेसिकली पिस्टल मैंने आपको दिखा दिया कि ऑब्वियसली डेथ की अलामत हैं, इसके साथ साथ जब मैंने ये भी लिखा डेकोरेशन ऑफ डार्क कलर जब सेटिंग की गई थी तो इसका आपने देखा इसके घर के जो टेस्टमैन के हेडा के जो जो कर्टन्स थे जो फ्लावर्स इवन डेड पड़े थे वो ब्लैक कलर के, ब्लैक ऑलवेज सिम्बलाइज टू डेथ, तो वो डेथ को सिम्बलाइज तो स्टार्ट से कर रहे हैं। फिर लेबॉक मैन्यूस्क्रिप्ट यू नो लेबॉक मैन्यूस्क्रिप्ट के हवाले से मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, वो लेबॉक को क्या कहती है एलन लेबॉक लिसन टू मी कुडंट यू लेट इट हैपन ब्यूटीफुली कि तुम आसानी से जो है वो सारा कुछ कर लो और सुसाइड अटैम्प्ट कर लो। तो उसका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो क्या सिम्बलाइज करता है कि वेन यू नो शी बर्न्ड हिज मैन्यूस्क्रिप्ट तो उसको फिर ये साथ कहती है और बेसिकली शी वॉज इन्जॉइंग द सिचुएशन, ठीक है वो सिचुएशन को इन्जॉय करती है और आंदो शी वॉज यू नो सक्सेसफुल इन दैट केस। तो स्टूडेंट्स कम्स टूवर्ड्स थीम्स एज वेल द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ द प्ले एज वेल व्हेन यू नो द फर्स्ट ऑफ ऑल पावर एंड इन्फ्लुएंस, जब पावर की बात करते हैं तो एवरीबॉडी इन द प्ले यू नो वॉन्टेड टू गेन पावर ऑन अदर्स, ठीक है डोमिनेंट होना चाहता है हेडा स्पेशली, हेडा को सबसे ज़्यादा हेडा ये भी चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है टेस्टमैन ही वुड टेक पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिक्स टू गेन यू नो अपॉर्चुनिटी टू गेन पावर बट ही वॉज अ स्कॉलरिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स इन हिज पर्सनैलिटीज एज वेल। तो इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली उसके करेक्टर का या जज ब्रैग का लेबॉक का दूसरों पर बहुत होता है, थिया का रिप्रेशन एंड जेलसी है, रिप्रेस करती है वो अपनी चीज़ों को दबाती है अपनी यू नो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को दबाने की कोशिश करती है अपने सर्कमस्टांसिस को दबाने की कोशिश करती है अपनी जो मतलब सेंसुअलिटी को दबाने की कोशिश करती है जेलसी फील करती है। जेलसी पे स्टूडेंट मैं आई वुड लाइक टू गिव हेयर एग्जाम्पल ऑफ यू नो शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो, इन डैट प्ले शेक्सपियर सेड डैट जेलसी इज़ अ मॉन्स्टर विच इज़ बॉर्न बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज। So you people, you know, must remember this code as well to, you know, illustrate in other plays as well. Feminism ka throughout the, you know, 19th century, basically, it was a century of industrial revolution, it was a century of capitalism, it was a century of colonialism. So isme jo feminism ka theme hai, women's right ka jo basically era tha, isme feminism ka theme bahut zyada dominant hai, bahut zyada prominent hai. Ibsen, you know, used it in this play or not even in this play, but also his other play, you know, like A Dollhouse and A Wild Duck and so on, or Green, Pink, whatever.
द फोर्थ वन इज मैरिज एंड लव डैट शी वॉन्टेड टू सेव हर यू नो एज टू गेट मैरिज विद टेस्टमैन वैन शीज यू नो फेल डैट शी वॉज 30 ईयर्स ओल्ड शी यू नो गॉट मैरिज विद टेस्टमैन लव वाला इसमें चक्कर आप देख सकते हैं लव ट्राइंगल है लव है या फ्लर्ट है जो भी है डेथ वर्सेस डिस्ट्रक्शन है क्योंकि डेथ होगी तो डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली होगी दो लोगों की डेथ होती है दोनों एक सुसाइड करते हैं फिर इसके बाद फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन यस हेडा इज ऑलवेज यू नो फेल्ट फियर टू स्कैंडलाइज हरसेल्फ इसी वजह से स्कैंडलाइज होने से ब्लैकमेल नहीं होती खुद को सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है कि मेरा जो है लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा तो पब्लिक ओपिनियन पब्लिक जो है वो रिमार्क्स देगी उससे बहुत डरती है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी थ्रू आउट द प्ले बड़ा डोमिनेंट थीम है वेरी इंपॉर्टेंट थीम है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी उनका क्या इफेक्ट है और सोसाइटी पर और वो सोसाइटी उनको किस तरह देखती है पर्पजलेस ऑफ लाइफ नो डाउट हेडा गेबलर इज अ एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर थी शी यू नो हर लाइफ हैज़ नो मीन उसका कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं था वो पर्पजलेस लाइफ थी क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था सेक्चुअलिटी है सेंसुअलिटी एंड सेक्चुअलिटी तो स्टूडेंट्स सेंसुअलिटी और सेक्चुअलिटी में आप देख सकते हैं किस तरह उसने रिप्रेस किया अपनी सेक्चुअलिटी को और किस तरह जो बाकी आप देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हैं इम्पॉर्टेंट करेक्टर जो सॉरी क्वेश्चंस हैं हम ये कह सकते हैं कि कैन हेडा गेबलर सुसाइड आ रीजनेबल एक्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो क्वेश्चन इन हेडा गेबलर और हेडा गेबलर एज अ ट्रेजिक प्ले ये भी आप कर सकते हैं हेडा गेबलर यू नो एज अ करेक्टर इसको भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हेडा गेबलर एज अ रिडीमिंग फोर्स ये क्वेश्चन इज एक इम्पॉर्टेंट है फिर स्टूडेंट्स एक आप कर सकते हैं हेडा गेबलर डू यू थिंक दैट हेडा गेबलर वॉज एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर थी आप ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी के हवाले से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो स्टूडेंट्स द लेक्चर हैज़ एंडेड हेयर एज आई होप डैट यू पीपल रियली इंजॉयड माई लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस प्ले यू पीपल मस्ट आस्क मी एंड आई विल गिव यू एन आंसर सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स